महाराष्ट्र चुनाव में अभी भी रस्साकसी लगातार जारी है। नामांकन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है लेकिन सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है। एनसीपी अजीत गुट ने मानखुर्द शिवाजी नगर से नवाब मलिक को टिकट दिया है। बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही थी। बीजेपी का कहना है कि नवाब मलिक का संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से है और इसीलिए इनका समर्थन नहीं किया जाएगा। वहीं राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि 4 नवंबर तक सारे मामले सुलझा लिए जाएंगे। पूरा पिक्चर क्लियर, कौन कौन कैंडिडेट रहता है, कौन से पार्टी से रहता है, उसका पूरा पिक्चर आपको 4 तारीख को शाम तक मिलेगा, तब मैं आपके साथ बोलूंगा। उधर शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने महायुति पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने महायुति को महाझूठी गठबंधन बताया, कहा कि जनता की अदालत इसका जवाब देगी। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि बीजेपी नवाब मलिक का पहले विरोध कर रही थी लेकिन अब प्रचार नहीं करने की बात कह रही है। आज वो महाझूठी गठबंधन में सामने जो आमने सामने हो रहे हैं, 10 से ज्यादा ऐसी सीट्स हैं जहां पर शिवसेना शिंदे सेना ने अपने लोगों को लगाया है, बीजेपी ने अपने लोगों को लगाया है, अजीत पवार ने अपने लोगों को लगाया है, कोई तीनों में तालमेल नहीं है। और मैं फिर से कहूंगी कि ये महायुति नहीं है, महाझूठी है, जिन्होंने सिर्फ महाराष्ट्र को महा लूटा है और महाभ्रष्टाचार फैलाया है। इनको अब जनता ही जवाब देगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। मुंबई में कांग्रेस के बड़े नेता और बीएमसी में नेता विपक्ष रह चुके रवि राजा बीजेपी में शामिल हो गए। रवि राजा ने 30 अक्टूबर को पार्टी से इस्तीफा दिया था और कल यानी कि दीपावली के दिन रवि राजा देवेंद्र फडणवीस और आशीष शेलार की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने रवि राजा को मुंबई का उपाध्यक्ष बनाया। रवि राजा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेज दिया था और मुंबई में कांग्रेस ऐसे वक्त में एक बड़ा झटका इसे मान रही है जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, 20 नवंबर को वोट डाले जाने। रवि राजा के बीजेपी में शामिल करवाने के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि रवि राजा के साथ साथ कई और कांग्रेस के नेता उनके संपर्क में हैं और वो भी बहुत जल्द बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। मैं रवि राजा जी का बहुत स्वागत करता हूं, उनके साथ आए सभी पदाधिकारियों का स्वागत करता हूं, साथ में उबाठा सेना से बाबू दरेकर जी ने भी प्रवेश किया है, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ऐसे पटाखे चलते ही रहेंगे। जो आपने सवाल किया उस पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अभी रवि राजा जी के ही संपर्क में कई लोग हैं जिनसे उन्होंने मेरी बात करवाई है, जिनमें से कुछ लोग बहुत प्रमुख लोग हैं, ऐसे लोग भी और अन्य लोग भी आने वाले दिनों में बीजेपी में आते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी 6 नवंबर से महाराष्ट्र में प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। 6 नवंबर को राहुल गांधी मुंबई में महाविकास आघाड़ी की एक रैली को संबोधित करेंगे। रैली में शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बताया कि तीनों नेता कॉमन गारंटी भी यहां जारी करने वाले हैं। एक बड़ी खबर, झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार अब और तेज हुआ और सीएम हेमंत सोरेन भी साहिबगंज जिले की बरहेट विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। लेकिन नामांकन दाखिल करने के बाद हेमंत सोरेन विवादों में घिर गए हैं। दरअसल बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि सीएम सोरेन के शपथ पत्र में उनकी उम्र बढ़ाकर बताई गई है। आरोप है कि हेमंत सोरेन ने 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान शपथ पत्र में उम्र 42 साल दिखाई थी लेकिन अब झारखंड की वेबसाइट के मुताबिक उनकी उम्र 49 साल हो गई है। हेमंत सोरेन के उम्र में अंतर का मामला सामने आने के बाद उनका नामांकन रद्द करने की भी मांग उठने लगी है। पांच वर्षों में किसी व्यक्ति की उम्र 5 वर्ष बढ़ती है लेकिन मुख्यमंत्री जी 42 वर्ष के थे 2019 में और इस बार के चुनाव में 5 वर्षों के बाद 49 वर्षों के हो गए।
ये दुनिया की स्पीड तो वर्ष के हिसाब से बढ़ती है। माननीय मुख्यमंत्री एक वर्ष में लगता है सवा वर्ष बढ़ जाते हैं, तो ये 7 वर्ष कैसे बढ़ गए इनकी उम्र 5 वर्षों में। दूसरी, जो इन्होंने बहुत सारी अचल संपत्तियों का जिक्र किया था 2014 और 19 की एफिडेविट में, वो इस बार गायब है, जबकि अभी भी मुख्यमंत्री जी उन संपत्तियों का रिटर्न देते हैं। जो मुख्यमंत्री जी की पत्नी जी हैं उनके भी कई संपत्तियों का ब्यौरा गायब है। किसका? नहीं, मैं तो मानता हूँ नामांकन रद्द नहीं होना चाहिए, जनता इसको हरवाना चाहिए।